हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो सवाल है वो आपके सामने है, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। यहाँ पे देखिए, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, दो लिस्ट गिवन है आपको। ये लिस्ट वन है जिसमें सल्फर के ऑक्सो एसिड्स गिवन है, और ये लिस्ट टू है जहाँ पे आपको सल्फर और ओएच के बीच का बॉन्ड्स बताया गया। सल्फर ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर के बीच का बॉन्ड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें ये चारों ऑप्शंस के जो स्ट्रक्चर्स है वो ड्रॉ करने पड़ेंगे, और देखना होगा इन लिस्ट टू में से ये किसके साथ मैच करता है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन गिवेन है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। एक एक करके हम लोग बात करते हैं, पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड से। तो ऑप्शन ए जो है पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये मार्शल्स एसिड्स के नाम से भी फेमस है। तो स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, देखो पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे पैरोक्साइड बॉन्ड आ जाता है, इसलिए इसके नाम में पैरोक्सो पड़ा है। ये पैरोक्सो जो है ना, ये पैरोक्साइड बॉन्ड के लिए। डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो सल्फ्यूरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। अब यहाँ पे हम बात करें तो नंबर ऑफ एस ओ एच बॉन्ड, एस ओ एच बॉन्ड कितना है, तो यार एस ओ एच बॉन्ड आप देख सकते हो यहाँ पे, एक तो ये वाला एस ओ एच बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे भी एक एस ओ एच बॉन्ड दिख रहा है, इसके अलावा नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे टू एस ओ एच बॉन्ड है, जिसके अकॉर्डिंग में बोल सकता है कि ऑप्शन वन टू एंड थ्री और फोर, चारों में टू एस ओ एच बॉन्ड है, यानी चारों ऑप्शन हो सकता है। फर्दर एस ओ बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे चेक करो, तो एस ओ बॉन्ड एक यहाँ है, दो यहाँ, तीन यहाँ, चार यहाँ, एस ओ बॉन्ड फोर है, ये भी ऑप्शन सही। एस ओ एस बॉन्ड, तो एस ओ एस बॉन्ड की हम बात करें तो यहाँ पे नहीं, क्योंकि एस ओ ओ बॉन्ड आ गया, एस ओ एस बॉन्ड तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा ए के लिए। टू एस ओ एच बॉन्ड एंड वन एस डबल बॉन्ड ओ, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता ए के लिए। टू एस ओ एच बॉन्ड, फोर एस डबल बॉन्ड ओ एंड वन एस ओ ओ एस बॉन्ड, देखो यार ऑप्शन थ्री जो है वो बिल्कुल सही है पैरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि ए के लिए जो है वो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, फोर्थ तो नहीं होगा ऑप्शन ए के लिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बी पे। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, तो H2SO4 का यार स्ट्रक्चर तो बच्चा बच्चा जानता है बनाना, तो यार ये हो गया आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर। इसमें आपका पहले हम देखते हैं ये ऑप्शन बी के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट होगा, टू एस ओ एच बॉन्ड, चलो ये ऑप्शन तो सही है, फोर एस डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, तो ये तो नहीं हो सकता यार, ये ऑप्शन वन नहीं हो सकता, ऑप्शन वन कैंसिल, ऑप्शन टू पे आओ, टू एस ओ एच बॉन्ड हाँ सही है, एस ओ एच बॉन्ड दो है, और वन एस डबल बॉन्ड ओ नहीं, ये भी गलत हो गया, एस डबल बॉन्ड ओ दो है यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, टू एस ओ एच बॉन्ड, यहाँ पे देखो यार एस ओ ओ एस बॉन्ड तो ये हो ही नहीं सकता, ऑप्शन फोर्थ पे आ जाओ, टू एस ओ एच बॉन्ड एंड टू एस डबल बॉन्ड ओ, देखो ओ एच बॉन्ड दो है और एस डबल बॉन्ड ओ भी दो है, हाँ तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो बी का ऑप्शन है फोर्थ। देखो यार यहाँ तक आप सॉल्व कर लियो ना, तो एक बार ऑप्शन मैच कर लेना, यदि मान लो आपको आंसर यहीं पर मिल गया तो फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे ए का थर्ड और बी का फोर्थ, तो ए का थर्ड बी का फोर्थ दो ऑप्शन सेम हो रहा है अभी भी, ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ, तो हमें अभी और आगे भी जाना होगा। सी, तो सी है पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड। देखो यार पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड होता है एक्चुअल में ऑलियम को हम कहते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, H2S2O7, इसका जो ऑलियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2S2O7 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो एस डबल बॉन्ड ओ दो है, एस डबल बॉन्ड ओ दो है, ओ एच बॉन्ड जो है वो आपका देखते हो कौन सा ऑप्शन होगा, टू एस ओ एच बॉन्ड, एस ओ एच बॉन्ड दो है क्या, अच्छा, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा गलती हो गया ना, ये एक्चुअली में H2S2O7 है ना, तो यहाँ पे एक और आएगा, ये ओ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच ऐसा आएगा, तो एस ओ एच बॉन्ड दो होंगे, एस डबल बॉन्ड ओ चार होंगे, तो ऑप्शन वन में देखो दो एस ओ एच बॉन्ड, चार एस डबल बॉन्ड हो, और एस ओ एस बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस ओ एस बॉन्ड भी एक है, तो ऑप्शन सी का जो होगा वो वन जरूर होगा। तो इस तरह से आपका, अब आप यहाँ से फाइनली बता सकते हो कि जो ऑप्शन टू है ना वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी को देखने की जरूरत नहीं, बट फिर भी डी की हम बात करें तो सल्फ्यूरस एसिड जो कि होता है H2SO3, यही है सल्फ्यूरस एसिड, इसका स्ट्रक्चर होता है H2SO3, ये हो जाता है आपका सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर, जिसमें दो एस ओ एच बॉन्ड होते हैं देख सकते हो, और एक दो एस ओ बॉन्ड होते हैं, नहीं, वन एस ओ बॉन्ड होते हैं, तो ये आपका जो डी की हम बात करो तो इसके लिए टू जो है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। तो ओवरऑल हम बात कर बोल सकते हैं यहाँ से इजीली देख कर कि ऑप्शन टू जो है वो करेक्ट होगा। तो देखो यार ये जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे इस ईयर आपका
सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीडेशन से पूछा गया है सवाल। तो इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो फास्फोरस के ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन, ये सारे ऑक्सीडेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट, आप जरूर पढ़ लीजिएगा, वो किसी ना किसी ईयर आपको जरूर मिलेगा ही। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।